नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज यूट्यूब चैनल। आतंकवाद से लड़ने के लिए 41 मुस्लिम देशों ने किया आपस में गठबंधन। सऊदी अरब में हुई बैठक। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक पहुँचे। और आइए जानते हैं पूरी खबर। नई दिल्ली के आतंकवाद ने इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करके रख दिया है। मुसलमानों को पूरी दुनिया में शक की निगाह से देखा जाता है, जिसके कारण बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिन आतंकी संगठनों की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह सब तो बस बदनाम करने के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इसलिए अब दुनिया 41 मुस्लिम देशों ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाया है। सऊदी अरब में इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें क्राउन प्रिंस ने धरती से आतंकवाद के सफाए का प्रण लिया है। पाकिस्तान की पूर्व सेना प्रमुख इनके कमांडर इन चीफ हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रविवार को हुई बैठक के में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हाल के सालों में आतंकवाद हमारे देश में सक्रिय रहा है। इस गठबंधन के साथ आज इसका खात्मा होगा। इस गठबंधन का नाम इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन रखा गया है, जिसमें आधिकारिक रूप से 41 सदस्य हैं और इसके चरमपंथी हिंसा के खिलाफ एक वायक एकजुट इस्लामिक गठबंधन बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही 2015 में इस गठबंधन का ऐलान किया था। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ सऊदी अरब की सत्ता पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में भी उनके कदमों के उल्टे फेर हो रहा है। नए इस्लामिक गठबंधन का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब कई सैन्य गठबंधन आतंकवादी जुटे इस्लामिक स्टेट को सीरिया और इराक के उसके बचे खुले ठिकानों से बेदखल करने में जुटे हैं। इन कोशिशों में सऊदी अरब और उनका अहम सहयोगी अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।